राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई HSSCET को लेकर। भाई चेयरमैन साहब ने जैसा बोला वैसे काम किया भाई, यानी कि चेयरमैन साहब ने जो बात बोली थी आप लोगों के लिए उन चीज़ों का धमाका कर दिया भाई। बोला गया था कि भाई मंगलवार तक आप लोगों के ई एडमिट कार्ड को जारी करने का काम किया जाएगा और वो काम आप लोगों के लिए HSSC बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है, यानी कि आप लोगों की एग्जाम सीटी का धमाका HSSC के द्वारा कर दिया गया है। आप लोगों के लिए क्या है और कैसे आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, यानी कि अपना एडमिट कार्ड है वो कैसे आप लोग देख सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को भी शेयर करना ताकि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो कैसे अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। चलते हैं अब एडमिट कार्ड के ऑप्शन के ऊपर दोस्तों, कैसे देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये एडमिट कार्ड का लिंक है दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया गया है। इन चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं भाई। इसके अलावा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप रुकना, शांति बनाए रखना भाई। HSSC ग्रुप डी की परीक्षा है तो स्विफ्ट सिटी चेक करने का लिंक जारी किया गया है, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते चेक नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनलों के ऊपर आप लोगों को जरूर बताएंगे भाई। अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, इस चीज़ को जरूर शेयर करना और ज्वाइन भी करना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को हर चीज़ का यहाँ से पता चल सके। इसके अलावा भाई अब आप लोगों को दिखाते हैं लिंक के ऊपर कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप सुबह तक इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे HSSC की तरफ से, तो आप इन चीज़ों को सुबह भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए लिंक है वो परमानेंट ओपन रहेगा, यहाँ पर लिंक को बंद नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं भाई लिंक कितनी देर के अंदर ओपन हो रहा है, इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, क्योंकि HSSC का ज़्यादा बड़े लिंक नहीं है, छोटा सा लिंक है, जल्दी ही सर्वर डाउन हो जाता है दोस्तों, तो आप थोड़ी सी शांति बनाए रखना। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे दोस्तों। सिक्योरिटी पिन अभी किसी बच्चे का ले रहा है, किसी का नहीं ले रहा है, क्योंकि साइट थोड़ी सी बिजी है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि साइट थोड़ी सी देर के बाद प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर सकती है, तो आप थोड़ी सी शांति जरूर बनाए रखना दोस्तों। तो इसके अलावा भाई और क्या कुछ करना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप लोगों का ग्रुप सी और डी का एक ही रजिस्ट्रेशन है, यानी कि ग्रुप सी में आप लोगों ने अभी प्रेफरेंस भरी थी, तो वही आप लोगों का यहीं पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस चीज़ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग जीमेल चेक करेंगे HSSC CET के नाम से, तो वहाँ पर भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है। आप लोगों के फ़ोन के ऊपर भी मैसेज आया था जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, या आप लोगों ने ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पर भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर निकला था, तो आप वहाँ से भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। अभी फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, फॉरगेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों। जैसे ही फॉरगेट करने का ऑप्शन आएगा, उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताने का काम है, वो किया जाएगा, तो आप थोड़ी सी शांति जरूर रखें, क्योंकि अभी तक बहुत टाइम आप लोगों के पास। आप अपनी तैयारी करें ज़ोर शोर से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऐसी ही सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। थैंक यू।